ज्यादा कितने पॉइंट लाए हो आज तक? ज्यादा से ज्यादा एक रेड में 6 पॉइंट। और वैसे मैच में? वैसे मैच में तो मतलब बहुत सारे मैचेस हैं ऐसे तो। अच्छा हाँ, बहुत सारे मैच। तो आप बेस्ट रेडर रहते हो? मैं नेशनल का बेस्ट प्लेयर रहा हूँ और डिपार्टमेंट नेशनल में 3-4-5-6 बार बेस्ट रेडर, बेस्ट ऑलराउंडर। ये जो भी रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, आपको पता ही होगा, सारे हमारे ओलंपिक रेसलर्स भी बैठे हुए हैं, आपकी क्या राय है उसके बारे में? जो गरीब लड़के हैं गांव में जो खेलते हैं, जिनके पास में मतलब खर्चे के लिए किट वगैरह या कुछ खेलने के लिए नहीं है, मेरी सोच है मैं उनकी हेल्प करूंगा और कबड्डी को मतलब जहां तक है आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। कॉलेज टाइम में कोई गर्लफ्रेंड बन गई थी क्या? आप शादी नहीं करा रहे? नहीं, गर्लफ्रेंड बनाने का यार टाइम ही नहीं मिला ना। बहुत संघर्ष से लाइफ चली है अब तक, मतलब ये तो सोच में ही नहीं आया भाई कैसे मतलब गरीबी से निकल के कैसे थोड़ा हाँ ठीक ठाक माहौल में जाया जाए। तो मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। yes. मैं बनाता हूँ पॉडकास्ट, इंटरव्यू लेता पॉडकास्ट बनाता हूँ। ओके ओके। पॉडकास्ट का मतलब जैसे अपन में बैठे अभी तक बात की वैसे ही बात करेंगे। इस पॉडकास्ट का टॉपिक क्या है कि आजकल पढ़ाई से ज्यादा स्किल्स जरूरी है। यस। आपको करना क्या आता है वो ज्यादा जरूरी है कि आपकी डिग्री क्या है उससे ज्यादा? बिल्कुल। और जो करना आता है उसको बेचना ही पड़ता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ भाई मेरे को आता है मैं घर पे बैठा हूँ। बिल्कुल। तो मैं वो चीज पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप एक कबड्डी के प्लेयर हो, प्रो कबड्डी खेल चुके हो, नेशनल कबड्डी इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हो, तो आपको पता है कि कैसे अपना टैलेंट दिखाना है, कैसे अपनी स्किल बेचनी है। जैसे मेरा नाम राजेश नरवाल है, मैं कबड्डी प्लेयर हूँ जैसे आपने बताया। तो क्या है ना, कबड्डी जैसे आप पढ़ाई में जितना मतलब फोकस करके खेल पढ़ते हो, ऐसे ही मतलब कबड्डी में भी पूरा फोकस लगाना पड़ता है। ठीक है। और उसमें मतलब पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है, जैसे एक तपस्या टाइप होती है ना, तपस्या करनी पड़ती है, तो तभी हम लोग मतलब उसमें ऊपर जाके एक अपना प्रदर्शन है जो भी है अपना टैलेंट है वो दिखा सकते हैं। प्रो कबड्डी में कौन सी टीम से खेल रहे थे आप? मैं प्रो कबड्डी में जयपुर पिंक पैंथर में फर्स्ट सीजन सेकंड थर्ड फोर्थ। मैं देखा है आपको, मैं स्टेडियम में देखता था। तो आप एक बहुत अग्रेसिव प्लेयर हो क्या? नहीं, अग्रेसिव नहीं, मैच के दौरान में। क्या ये स्पोर्ट एक अग्रेसिव है? मतलब इसमें ना स्पोर्ट्स ही ऐसा है, इसमें अग्रेसिव होना पड़ता है, अगर नॉर्मल तरीके से खेलेंगे तो इसमें खेला नहीं जाएगा। वो हंसते हंसते कबड्डी हाँ, तो बोल ही नहीं सकता। हंसते हंसते तो वैसे बैठ के बातचीत हो सकती है, तो ये एक अग्रेसिव गेम है और अग्रेसिव होके ही खेलना पड़ता है। मैंने तो देखा है ना आप कैसे लात उठा देते हो, तो मैं तो अभी आते हुए भी डर रहा था, मैं कहा कुछ गलत पूछ लिया। नहीं ऐसी वो खेलने के दौरान में होता, बाहर तो ऐसे ही आपकी तरह नॉर्मल ही रहते हैं। क्या डाइट खाते हो? पिज्जा कब खाया था आखिरी बार? पिज्जा तो यार मेरे को याद ही नहीं है, मैं मतलब कभी नहीं खाया। हाँ, आपको ऐसे मतलब कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो आप क्या खाते हो? पिज्जा खाते हैं लेकिन काफी साल हो गए हैं, मतलब तब खाया था, अभी तो मेरे को याद नहीं है। पिज्जा थोड़ा ठीक लगता है वो खा लेते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं खाते, बस दाल रोटी है, बादाम है। घर पे रह पाते हो? घर पे बहुत कम टाइम मिलता है, जैसे बाहर कैंप लग जाते हैं, प्रो के कैंप लग जाते हैं हमारे नेशनल कबड्डी के, जो हमारे गहलो साहब है आदरणीय, उन्होंने इस कबड्डी को इतने ऊपरले लेवल तक पहुंचाया है, अभी हमारे बीच में नहीं है, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी जो प्रो कबड्डी अभी शुरू हुआ है ना, पिछले 4-5 साल पहले, कोरोना से 2-4 साल पहले 2014 में स्टार्ट हो गया था। अच्छा। हाँ, तो अपने जयपुर पिंक पैंथर टीम वो चैंपियन रही थी, तो उसमें उस टीम का मैं हिस्सा था। तो फिर अगले सीजन में ज्यादा रेट मिला? हाँ, तो उसमें मतलब जिस हिसाब से कबड्डी बहुत नीचे लेवल पे थी, तो गहलो साहब ने ही मतलब ये प्रो कबड्डी स्टार्ट की थी, तो धीरे धीरे अच्छा अमाउंट मिलता गया, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें घर बनाना है, कुछ और गाड़ी खरीदनी है, तो जैसे पैसे लिए हैं किसी से, कर्ज है वो चुकाना, वो जैसे आप प्रो कबड्डी में आ पाए तो कैसे आ पाए? इतने सारे प्लेयर्स हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। प्रो कबड्डी में जैसे हमारा नेशनल होता है, सीनियर नेशनल, उसमें चयन होता है इंडिया कैंप के लिए, तो हमारा बेंगलोर में कैंप लगा हुआ था,
तो उससे ही हमारा चयन हुआ था प्रो कबड्डी के लिए। अदरवाइज प्रो कबड्डी में आने के लिए नेशनल सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, नेशनल खेल के ही हम प्रो कबड्डी में आ सकते हैं। तो उससे पहले हमें स्टेट खेलना पड़ता है, उसके बाद में स्टेट में कैंप लगता है, कैंप के बाद में नेशनल के लिए टीम बनती है, नेशनल में फिर जाके हम फर्स्ट पोजीशन आती है, सेकंड थर्ड जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे हमारा कैसा प्रदर्शन रहता है उसके हिसाब से ही हम प्रो कबड्डी में का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे हमारे परिवारों में ना ऐसे खेल मतलब खेल के लिए बच्चे को तब भेजते हैं जब वो पढ़ाई में नालायक हो जाए कि यार नहीं है इससे पढ़ाई नहीं जाएगा, इसको खेलने भेज दो। तो आप कब से आपने खेलना शुरू किया और कबड्डी कैसे आई आपके जीवन में? मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई में मतलब ठीक था, एवरेज, हाँ एवरेज था। तो पांचवी क्लास में हमारे गांव के ही डीपी थे, तो उन्होंने वैसे ही एक नॉर्मल तरीके मनोरंजन के लिए बोला कि चलो कबड्डी खेलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ठीक थे तो खेले। तो उसने डीपी ने बोला भाई तू अच्छा कर सकता है, तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी। पांचवी क्लास में रैंडम था, आपको ना कुछ पता था ना कुछ पता नहीं था, वैसे एंजॉय के लिए जो स्कूल्स में पांचवी क्लास में जो बच्चे थे वैसे मनोरंजन के लिए चलो कबड्डी खिलाते हैं आपको, तो वहाँ पे खेले थे स्टार्टिंग में। उसके बाद में फिर जर्नी स्टार्ट हो गई थी, तो धीरे धीरे मेरी भी रुचि कबड्डी के अंदर। जिंदगी कितनी मुश्किल है, आपको चोटें लगती रहती हैं, इंजरी होती रहती है स्पोर्ट्स? देखो स्पोर्ट्स एक इंजरी तो होगी ही स्पोर्ट्स में, और इंजरी से उभर के चलना मतलब वही एक स्पोर्ट्समैन, उसी को मतलब स्पोर्ट्स मैन इतिहास है। हाँ तो ये तो है नहीं भाई अभी अभी हमें ये इंजरी होगी हम उसको लेके बैठे रहेंगे, उसको बस जस्ट जैसे भी करके उसको ठीक करो और फिर वापस फिर ग्राउंड में उतर जाओ। जैसे अभी प्रो कबड्डी का मैच होता था उससे पहले आप सारे प्लेयर लोग बैठे रहते थे, क्या बातें होती थी उसमें? यही बातें करते थे भाई कौन प्लेयर कैसा, ऐसे नहीं कहते थे कहते ओ आगे मत जाइए तू तेरे तू पॉइंट लाता है तू पॉइंट देता है ना ना वैसे बोलते हैं कि बोलते भी राजेश तू यार ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है पकड़ ज्यादा मतलब हाँ ज्यादा छेड़ना मत किसी को, ये मत करना वो मत करना, वो आपस में बातचीत करते रहते हैं। और ऐसे जैसे क्रिकेट में गाली गलौज हो जाती है वैसे होती है कबड्डी में? कबड्डी में अभी तो अभी बहुत फर्क है, नहीं तो पहले तो गाली भी दे देते थे गेम में, वैसे यार तूने अच्छा नहीं किया ये नहीं करना चाहिए, थप्पड़ भी मार आते हैं नहीं इतना तक तो नहीं होता वैसे, फिर अंदर से बहुत गुस्सा ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, तो थोड़ा एग्रेसिव तो हो जाते बाद में फिर वैसे ही आपस में जैसे ठीक है बाद में तो भाईचारा है भाईचारा आपस में वो गेम के अंदर। और फिर कबड्डी जैसे स्पोर्ट के ज्यादातर प्लेयर हैं भी हरियाणा से? मैक्सिमम कबड्डी सोनीपत है रोहतक है तो इस इन्हीं के अंदर खेली जाती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैं हूँ मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरा रेंढाणा गांव है, वैसे किसान परिवार से हैं, इतना ज़्यादा कुछ नौकरी पैसा था नहीं तो किसान खेतीबाड़ी करके जैसे ही अपना होता था वही करते थे। तो कबड्डी भाई कैसे मतलब गरीबी से ऊपर उठा जाए, पढ़ाई में इतना मतलब एक नॉर्मल थे तो फिर ये कबड्डी चूज की थी, इसमें तब इंटरेस्ट लिया तो मतलब जी जान लगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं मैंने बस दो एक साल प्रैक्टिस की, उसके बाद मैं सीनियर स्टेट वगैरह खेल के नेशनल 2007 में मैंने पहला नेशनल खेल लिया था। ठीक है और शुरुआत कब की थी आपने? शुरुआत मैंने की थी 2000 में मैंने स्टार्टिंग कर दी थी खेलना, उसके बाद में मैंने दो साल प्रैक्टिस की फिर सीनियर स्टेट वगैरह और स्कूल वगैरह खेल के यूनिवर्सिटी खेल के तो फिर नेशनल में पार्टिसिपेट, तो अब तक 2023 तक मैं अपनी हरियाणा टीम का हिस्सा रहा। ये प्रो कबड्डी के अलावा और कहाँ से पैसे मिलते हैं? प्रो कबड्डी के अलावा हम जैसे हरियाणा स्टेट से खेलते हैं हमें नेशनल से पैसे मिलते हैं, नेशनल गेम से मिलते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? अभी तो 5 लाख नेशनल गेम के, सॉरी 7 लाख रुपए कर दिए, 7, 5, 3 नेशनल के हैं, 3, 2, 1। अच्छा हाँ तो इनमें जैसे और टूर्नामेंट्स खेलते हैं जैसे कोई अच्छे लेवल की ग्रेड की टूर्नामेंट है उससे पैसे। ये जो अभी रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में आपको पता ही होगा, सारे हमारे ओलंपिक रेसलर्स भी बैठे हुए हैं, आपकी क्या राय है उसके बारे में? देखो भैया मेरे को इतना पता तो है नहीं उसके बारे में, फिर भी जो जो भी है उसकी निष्पक्ष जांच
होनी चाहिए जो भी फैसला आएगा। क्या आप इसके बारे में बोल नहीं सकते खुल के, क्योंकि कल को आपको पकड़ लेंगे? नहीं नहीं वो बात नहीं है, जो भी है मान लो भाई गलत है या सही है जो भी है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अच्छा क्या ऐसा कुछ कबड्डी में होता है? नहीं कबड्डी में तो हमारे जो आदरणीय गहलोत साहब हैं उन्होंने कबड्डी कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग, उनकी ही बदौलत ये कबड्डी आज इतनी ऊपर है। ठीक है, तो नहीं तो कबड्डी को कोई जानता भी नहीं था। अभी आगे की क्या सोच है? एक प्लेयर की एक लिमिटेड उम्र तक चलता है वो, उसके बाद टीम खरीदना बंद कर देती है। सोच तो यही है भैया, जैसे आप भी खेल रहे हैं जस्ट, अपनी हरियाणा टीम का हिस्सा भी हैं, तो मैं ONGC में भी जॉब करता हूँ, तो मैं एक ऑफिसर रैंक से हूँ, वहाँ पे हमारी टीम है साई सोनीपत सेंटर में, तो वहाँ भी खेल रहे हैं और हरियाणा के लिए भी खेल रहे हैं। सोच तो यही है जैसे भाई हम भी एशियन गेम्स है या वर्ल्ड कप है जो भी उस टीम का हिस्सा बन सकें और अपनी इंडिया के लिए कुछ योगदान दे सकें। कौन सी मूवी कौन सी देखी आखिरी मूवी? यार मैंने वो अभिषेक बच्चन की मूवी थी ना जिसमें वो दसवीं है। अच्छा। वो मूवी देखी थी मैंने, उससे पहले एक मूवी और देखी थी मैंने, हाँ एक अभिषेक सर के साथ में देखी थी, अभिषेक सर की ही मूवी थी वो। अच्छा। हाँ और उसके अभिषेक सर के अलावा देखी थी मैंने दसवीं। अच्छा। कैसे इंसान है वो? आप कभी मिलना, मैं तो उसके परिवार का हिस्सा रहा हूँ, अभी भी मेरे को मतलब एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं और जैसे भी मेरी हेल्प हो वो करते हैं, मतलब एक बहुत ही रियल मैन आदमी है वो। इस साल हो रहा है प्रो कबड्डी? इस साल होगा ना, इस साल शायद दिसंबर में होगा इस साल प्रो कबड्डी। किसकी टीम से खेलोगे आप? अभी तो कुछ पता नहीं, जो भी टीम लेगी मेरे को पास दे दोगे आप जयपुर में? मैं हाँ हाँ यार जयपुर में पास क्यों नहीं मिलेंगे आपको, आपको जरूर पास दिलाएंगे। क्या कितने साल में रिटायर होने का सोच रहे हो? क्या उम्र होती है एक एवरेज प्लेयर की? एवरेज होती है स्पोर्ट्समैन, अभी जैसे हमारा एक स्पोर्ट्समैन है सरलाथन, तो वो शायद 45 ईयर्स एज है उसकी, तो अभी भी वो अच्छा खेल रहा था, तो एज ज़्यादा इफेक्ट नहीं रखती, बस थोड़ी सोच भाई, सोच जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी इतनी फुर्ती कहाँ से लाते हो, ऐसे उछल जाते हो अचानक से? देखो स्पोर्ट्स में ना सबसे मेन पार्ट है स्पोर्ट्स का ब्रह्मचर्य, अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं होगे ना तो स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, तो उसी के भी आपसे खाने पीने का टाइमिंग है जो शाम को कितने बजे सोना, मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना, वो सब सारी चीज़ें टाइम टेबल स्पोर्ट्स में फिक्स रखना पड़ता है। ये नहीं भाई शादी में भाग गया कहीं पार्टी कर रहा है, वो तो नहीं चल पाएगा, वो थोड़े दिन ही चलेगा, इतना लंबा तो चल नहीं सकता। कभी कोई लड़ाई हुई आपकी? लड़ाई हाँ हुई है दो तीन बार, जो गांधीनगर से ट्रेन में आ रहे थे तो कुछ ऐसे ही बदतमीजी कर रहे थे, तो उनके साथ में भी मारपीट हुई। एक बार बॉम्बे जा रहे थे तो आर्मी गड्ढे में था, मैं आर्मी वालों के साथ में था, तो आर्मी वालों के साथ में बदतमीजी कर रहे थे, थे कोई लोकल, तो मैंने उनके साथ में मैंने उनकी भी सपोर्ट की थी, काफी मारा पीटी भी हुई थी, और भी गांव में भी ऐसे ही बहुत। तो सारे आपको फायदा मिलता है इसमें मारा पीटी में? नहीं मारा पीट अगर सामने वाला ही ये सोच रहा है कि नुकसान पहुंचाना, तो उसके अपने आत्मरक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ करना, करना पड़ता है। नहीं तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप कबड्डी खेलते हो, आप में जान है, तो इस चीज का फायदा होता है लड़ाई में? नहीं नहीं इस देखो इस चीज का फायदा, आप तो पैर पकड़ लोगे तो छोड़ोगे नहीं, इस चीज का देखो फायदा तो होता है, एक स्पोर्ट्समैन तो हर एक्टिविटी को जानता है भाई, वो पकड़ता भी है मारता भी है, स्पोर्ट्स में तो सब चलता है, भागना भी आता है पकड़ना भागना भी आता है पकड़ना भी आता है, उसको मार के भाग भी सकता है कुछ भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है। अभी क्या आम जीवन क्या है, क्या शेड्यूल है आपका? शेड्यूल तो अभी जैसे ONGC में जॉब है तो मॉर्निंग में 6 o'clock और 7-8, 8:30 बजे तक प्रैक्टिस, उसके बाद में अपना खाना वाना बनाएंगे, बादाम वगैरह पियेंगे। कितने बादाम पीते हो? बादाम तो जैसे मतलब कि गिरी हो जाती है भाई, एक मुट्ठी या दो मुट्ठी जैसे भी चलता है। अंडे वगैरह खाते हो? नहीं अंडे मैं बिल्कुल शाकाहारी, मैंने आज तक मांस मिट्टी कुछ नहीं खाया। आपको ऐसा लगता है कि अगर अंडे खाते तो थोड़ा और आसान होता प्रोटीन लेना? नहीं 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 ये सब प्रोटीन वैसे भी मिल सकता है, सोयाबीन से भी मिल सकता है प्रोटीन,
दाल से भी प्रोटीन मिलता है, दूध से भी प्रोटीन मिलता है, वैसी चीजें हैं जो अपनी शाकाहारी किसी जीव को या किसी चीज को ये अपनी बॉडी में आत्म बल बढ़ा, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। वैसे शाकाहारी सोच है, वैसे शाकाहारी बहुत सारी चीजें हैं जो खा के अपने पुराने जमाने के जितने भी योद्धा है वो कौन सा मांस मिट्टी खाते। सही बात। अभी क्या करना चाहते हो आगे कबड्डी के लिए, क्या करना चाहते हो अगर मौका मिले तो? कबड्डी के लिए मुझे मौका मिलेगा, अभी तो जैसे खेल रहे हैं हाँ। तो इंडिया के लिए मौका मिला तो हाँ, भारत, वो तो आपने बताया कि आप हाँ, इंडिया को रिप्रेजेंट तो करना चाहोगे। उसके बाद में मैं जो गरीब लड़के हैं गांव हाँ। में जो खेलते हैं जिनके पास में मतलब खर्चे के लिए किट वगैरह या कुछ खेलने के लिए नहीं है, मेरी सोच है मैं उनकी हेल्प करूंगा और कबड्डी को मतलब जहाँ तक है आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। आपका इंस्टाग्राम कौन संभालता है, काफी फॉलोवर्स हैं आपके? मेरा एक दोस्त है अच्छा। इंस्टाग्राम वही संभालता है, वही बनाते हैं रील्स वगैरह। हाँ वही बनाते हैं, मेरे को इतना ज्यादा चलाना भी नहीं आता हाँ। वैसे टाइम है मिलता है हाँ। लेकिन ज्यादा यूज नहीं करना आता तो वही। और फिर पसंद ना पसंद, मैंने देखा है कि मैं ज्यादा फोन यूज भी नहीं करता। स्पोर्ट्समैन में एक शांत हो जाता है बहुत हाँ, बैठ गए तो बैठ ही गए। नहीं नहीं वो नहीं, क्या है ना जैसे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं पसीना निकलता है, थोड़ा बॉडी वॉश होती है, थोड़ा शांति, थोड़ा आराम मिलता है, जैसे टेंशन वगैरह वो थोड़ा फ्री रहता है स्पोर्ट्स में। और वो भी होता है कि पता है अगर मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा उंगलियां कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप मारोगे मर जाएगा। नहीं स्पोर्ट्स मैन को बहुत ध्यान से मतलब कि किसके साथ में कैसा कैसे बात करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना उसने, लड़ाई झगड़ा करेगा वो स्पोर्ट्स करेगा या लड़ाई में फंस गया तो कुछ भी मतलब आप समझते हो। अपने हरियाणा के तो पहलवान और कबड्डी वाले काफी जेल में भी हैं। अपने हरियाणा कबड्डी का तो कोई है ही नहीं यार। कबड्डी के भी हैं सर, मतलब ऐसे बड़े नाम नहीं, छोटे मोटे खिलाड़ी जो वैसे खेलते। चलो देखो जीवन है ये लाइफ है, कहीं भी हमारी बुद्धि अगर परमात्मा ने ठीक दे रखी हम ठीक चल रहे हैं, जिस दिन हमारी बुद्धि खराब हो जाती है तो क्या पता परमात्मा क्या करवा दे। क्या ये जो बड़े प्लेयर्स हैं अपनी ताकत का फायदा उठाते हैं? नहीं नहीं बड़े प्लेयर्स आप कहीं भी जाके देख लेना किसी भी फील्ड में, जो बड़ा प्लेयर होगा ना वो उतना ही डिसिप्लिन से मतलब एक अच्छे से। आपको तो पता ही है सुशील जी के साथ क्या हुआ है। वो यार मान लो एक्सेप्शन है हाँ, वो क्या पता वो कैसे हुआ है या नहीं हुआ उसके बारे में, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट थे नहीं, वो अपनी जेल काटने जो भी हाँ जो भी है मतलब वो भाई उसके हिस्से में जो है वो अपने आराम से जो। मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या बड़े प्लेयर अपनी ताकत का फायदा उठाते हैं कि मेरे को तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये देखो अपने हरियाणा है या राजस्थान है या जो भी है दिल्ली है, देखो गवर्नमेंट से इससे गवर्नमेंट से बड़ा ताकतवर तो कोई है नहीं ना, तो सबको अपनी लाइफ जीने का अलग अलग तरीका है, किसी को परेशान मत करो, जो भी है मतलब अपने आराम से रहो, कोई जितना बड़ा ताकतवर आदमी है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपना आराम से रहो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करो, किसी का बुरा मत। मैच जीतने के बाद पार्टी कैसे करते हो? मैच जीतने के बाद में थोड़ा अच्छा फील होता है, नहीं तो थोड़ा आराम से सो जाते। कैसे करते हो फिर पार्टी? तो काई भी पार्टी यार, कुछ एंजॉयमेंट नहीं है, जाके प्रोटीन पिया, थोड़ा आइस बात की, अच्छे से खाना खाया और जाके सो गए, अगले दिन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है अच्छा। वो दिमाग में चलता रहा। ये पहला सीजन जीते थे आप प्रो कबड्डी का? हाँ तो पहला सीजन में अभिषेक बच्चन के साथ पार्टी तो की होगी आपने? हाँ अभिषेक सर ने लास्ट में चैंपियन बनने के बाद में इधर जयपुर में ही होटल है एक, तो उसमें पार्टी की थी। क्या पार्टी की थी? कुछ नहीं, खाने पीने का अच्छा। लोग पीते नहीं? नहीं दारू वगैरह कुछ नहीं, मतलब नाचते हो? हाँ थोड़ा म्यूजिक लगाया अभिषेक सर ने थोड़ा, तो हम शनिवार को या संडे को थोड़ा फ्री टाइम मिलता था, थोड़ा दोस्तों के साथ आपस में हाँ आपस में शादी आप करनी रहे तो दोस्ती हैं सारा। हाँ दोस्त हैं मित्र हैं जितने भी अपने आपस में साथ में घुल मिल के रहते। ये क्यों सोचा आपने की शादी नहीं करनी? बस वैसे ही लाइफ में थोड़ा यार शांति भी चाहिए अभी। तो आप कह रहे हो कि शादी से अशांति होती है? वो बात नहीं, मेरे को वैसे लगता है आप थोड़ा फ्री माइंड। कॉलेज टाइम में कोई गर्लफ्रेंड बन गई थी क्या, आप शादी नहीं करा रहे? नहीं गर्लफ्रेंड बनाने का यार टाइम ही नहीं मिला ना, बहुत संघर्ष से लाइफ चली है अब तक, मतलब ये तो सोच में ही नहीं आया भाई कैसे मतलब गरीबी से निकल के कैसे थोड़ा हाँ ठीक ठाक माहौल में जाया जाए, या तो वो कर लेते आज की बात। पहले तो स्पोर्ट में पैसे भी नहीं थे ना?
स्पोर्ट्स में इतने, अभी जो से गहलोत सर ने जो लीग चलाई है उससे अभी 10 पैसे ठीक हो गए, नहीं तो पहले तो हम ऐसे 1100 की, दो 21,000 की, 51,000 की टूर्नामेंट्स ऐसे ही खेलते रहते थे, उनमें 1,500 रुपये आ गए, तो वही उनसे ही काम चलता था। आप पॉइंट लेके आते हो तो कैसे एक्शन करते हो? बस वैसे ही ऐसे हाथ मार के ऊपर उठा, एक बार अच्छे से करके दिखा दो ना, थोड़ा जोश आ जाए देखने वालों, थोड़ा ऐसे ही कर दिया ना ऊपर, बस नॉर्मल थोड़ा। ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट लाए हो आज तक? ज्यादा से ज्यादा एक रेड में 6 पॉइंट। और वैसे मैच में? वैसे मैच में तो मतलब बहुत सारे मैचेस हैं ऐसे तो। अच्छा, हाँ बहुत सारे मैच। तो आप बेस्ट रेडर रहते हो? मैं नेशनल का बेस्ट प्लेयर रहा हूँ और डिपार्टमेंट नेशनल में 3-4-5-6 बार बेस्ट रेडर, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट प्लेयर, प्रो कबड्डी का भी 4th सीजन का बेस्ट ऑलराउंडर हूँ। अदरवाइज बहुत सारे। तो फिर तो आप महंगे बिकते होंगे? अभी अभी तो सिचुएशन ऐसी है भाई, इंजरी हो गई थी तो नेशनल में परफॉर्म कर रहे हैं तो थोड़ा जो भी खरीदता उनका दिमाग में ये आता भाई इसका नीड ठीक है या नहीं है। आप बता सकते हो कि कितने पैसे में खरीदते हैं प्लेयर्स को? अभी तो करोड़ करोड़ रुपए में खरीदते हैं एक प्लेयर को। जैसे पहले सीजन में आपको कितने पैसे में खरीदा? पहले सीजन में टॉप राकेश कुमार था, उनको 12.5 लाख रुपए मिले। अच्छा, मेरे को 9.5 लाख रुपए मिले उस टाइम पे। और अभी पिछले सीजन में? अभी 4th सीजन में मेरे को 79 लाख मिले थे। तो अभी छठे सीजन से कबड्डी ज्यादा मतलब पैसे जो भी है तो इस बार तो करोड़ पार कर देंगे? नहीं अभी हैं जो मतलब अब की बार करोड़ पार हो जाएंगे तो छठे सीजन से, क्योंकि हम पहले जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो पहले है, अभी तो मौका ही नहीं मिल रहा, नहीं कोई मौका दे रहा प्रो में प्रूव करने के लिए, तो प्रूव तो तभी करेंगे ना जब मौका मिलेगा। हाँ नेशनल में मैं हरियाणा कबड्डी टीम का कैप्टन रहता हूँ, नेशनल गेम में भी हमारा ब्रॉन्ज मेडल था, नेशनल में भी ब्रॉन्ज मेडल, PSB में भी मैं बेस्ट प्लेयर, बेस्ट ऑलराउंडर, हर जगह परमात्मा की दया से ठीक ठीक है। आपको कैसा लगा मुझसे बात करके? मेरे को अच्छा लगा, मैंने एक्चुअल में पहली बार ही मतलब इंटरव्यू दिया है, अदरवाइज मैं किसी को इंटरव्यू। आपको मीडिया बाइट वगैरह तो लेती रहते हैं ना? मीडिया जैसे प्रो कबड्डी के टाइम पे वो तो उन्हीं की जैसे मीडिया वो थी वहीं पे देते थे, बाहर में तो इंटरव्यू आपको ही दिया है बस, और तो बाकी तो ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं है। मैं बता तो रहा था कि ये प्लेयर लोग थोड़े शांत हो जाते हैं स्वभाव में कि हाँ बैठ गए तो बैठ ही गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो आप, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वो बता दो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। दीक्षांत भाई का जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैच करोगे? हाँ थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर, ओके थैंक यू।